हाय गाइस दोस्तों, एक्शन कैमरा जितना इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी GoPro या आप DJI का ओस्मो एक्शन ले लो, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसके एसेसरीज़। क्योंकि एक परफेक्ट वीडियो शूट करने के लिए हमें परफेक्ट एंगल चाहिए होता है और परफेक्ट होल्ड चाहिए होता है किसी भी कैमरे के लिए, किसी भी एक्शन कैमरे के लिए। तो उसी ध्यान में रखते हुए मैंने मंगाया है ये यांट्रले का जो GoPro एसेसरी सेट है अमेजोन से, कुछ 1499 रुपये में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो हमें GoPro या फिर एक्शन कैमरा में यूज़ होता है। तो फटाफट से इसको ओपन करता हूं और देखता हूं कि क्या कुछ है इसके अंदर। ये बैग की पैकिंग में आता है और ये बैग तो काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, ये बैग भी इंक्लूडेड ही था उसमें। तो फटाफट से अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये एसेसरीज का सेट है। एक एक करके मैं निकाल के देखता हूँ क्या क्या कुछ है इसके अंदर और क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है। और ये है हमारा बैग, जो कि आपको मेरे ख्याल से इसको हटाना पड़ेगा, तो ये एक स्पेस क्रिएट कर देगा आपको अपने डिफरेंट जो भी एक्शन कैमरा सामान और इन सब सारी चीज़ों को रखने के लिए। और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर फटाफट से। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर से निकल के आई हैं, लगभग 14-15 चीज़ें हैं जो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। तो जैसा कि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चेस्ट माउंट है, इसे आप चेस्ट पे माउंट करके यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, ये जो चेस्ट माउंट है ये आपको कुछ ऐसे अपने चेस्ट पे माउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इसमें आपको यहाँ पे अपना GoPro या जो भी एक्शन कैमरा है वो लगाना पड़ेगा। मैं लगा के दिखाता हूँ अपना ऑस्मो एक्शन। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये GoPro इसके ऊपर फिट हो जाता है, और इसके बाद फिर आप जो है इसे शूट कर सकते हो। और इसके अंदर से जो आपको फिर जो व्यू दिखेगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ ऐसे, और चल सकता हूँ। ये विजिबिलिटी आती है जब आप चेस्ट पे कुछ भी माउंट करते हो। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है अपना हेड स्ट्रैप, जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। इसको आप कैप पे भी माउंट करके यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से जो है वो आपका एक्शन कैमरा इसके ऊपर माउंट हो जाएगा, और फिर आप जो है आराम से इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये जो है विजिबिलिटी, आप कुछ भी करते हो इसके ऊपर तो काफ़ी अच्छे से आप इस चीज़ों को शूट कर पाओगे। ये आप जो देखोगे वो चीज़ ही आप देख पाओगे कैमरा में और ऑडियंस को दिखा पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हो मैं शूट कर रहा हूँ तो सामने ये इसको भी आप थोड़ा जहाँ बेंड कर सकते हो, अपने जो एंगल है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब जो है आप व्यू देख सकते हो, मैं आराम से इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, और इस तरह से मैं बाहर भी जा सकता हूँ और कुछ भी करूँ तो यूज़ हो पाएगा। कुछ भी करूँ, अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं शूट कर पाऊँगा, मैं किचन में हूँ या कहीं भी हूँ, या आप कहीं भी, तो ऑडियंस को एक परफेक्ट व्यू आप व्यू एंगल दे पाओगे। और ये देखने में भी बहुत सही लग रहा है और फिट भी परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि ये गिर जाएगा या ऐसा कुछ। उसके बाद आते हैं, ये छोटा सा मिनी सा ट्राईपॉड है, इसको आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और GoPro के साथ इसको अटैच करके, और ये एक छोटा सा ट्राईपॉड भी बन जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट है। ये इतना छोटा सा है, हैंड ग्रिप, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और चूंकि पब्लिक प्लेसेस पे बड़ा सा जो हैंड ग्रिप होता है वो मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है, तो ये हैंड ग्रिप काफ़ी ही अच्छा है। इसके नीचे जो है ये एक ट्राईपॉड भी बन जाता है। मैं आपको इस पे जो है अपना ऑस्मो एक्शन माउंट करके दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। ये हमारा इसके साथ ही दिया है ये जो ट्राईपॉड जैक है, इसको मैं इसमें ऐसे प्लेस करता हूँ, राइट। और ये टाइट होने के बाद इस पे मैं अपना ऑस्मो एक्शन माउंट करता हूँ। गाइस, तो ये हो गया मेरा ऑस्मो एक्शन इस पे माउंट, और ये क्या सही ग्रिप दे रहा है मुझे, मतलब बहुत सही है ये, मतलब स्टेडी सा है और पकड़ने में भी मुझे बहुत आसानी हो रही है। और ये थोड़ा सा मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ टिल्ट भी कर सकता हूँ, और ये एक ट्राईपॉड भी है, तो काफ़ी सही चीज़ है ये। एक छोटा सा है, आप कैमरा आपने होल्ड किया है पता भी नहीं चल रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है उसके हिसाब से ये काफ़ी सही है, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ इसको।
ये है हैंड स्ट्रैप जो कि अपन यूज़ करते हैं गोप्रो को हैंड रिस्ट पे माउंट करने के लिए। ऐसे ये जो है मेरे रिस्ट पे माउंट हो गया है और काफ़ी सही दिख रहा है मुझे। मतलब उतना स्टीडी तो नहीं है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो टाइट इसको अगर मैं स्ट्रिप को डाल के देता हूँ तो भी उतना स्टीडी तो नहीं है, बट हाँ फिर भी काम आपका चल जाएगा। तो इसकी जो विजिबिलिटी है देखो आप, ये ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ और ये चीज़ों को जो है आराम से मैं ऐसे शूट कर सकता हूँ। और अगर मुझे अपोजिट साइड का कोई शूट करना है, मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ या फिर कहीं ये जो शी में है मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर उसके लिए आप इसको ऐसे टर्न कर दिया मैंने, टर्न करके भी आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा ऐसे मैं इसको शूट कर सकता हूँ। कहेगा ये बहुत सही प्रोडक्ट है। हाँ इसकी क्वालिटी थोड़ी एवरेज है मैं आपको पहले ही बता दूँ, लेकिन रिस्ट बैंड आप अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हो और इसका यूज़ बहुत होता है। थोड़ा हाथ में पेन होता है वो अलग बात है, वो थोड़ा ऐसे स्टडी सा रखे रखे, बट हाँ फिर भी ये बहुत यूज़फुल होता है स्पोर्ट्स के टाइम पे। ये जो है ये बैकपैक माउंट है, इसे हम बैकपैक पे यूज़ कर सकते हैं या फिर और कैप पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, ये जो माउंट है जैसा कि आप देख रहे हो ये भी बहुत ही सही माउंट है, अपने तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यार कहीं पे भी आपके बॉडी पे आपको गोप्रो माउंट नहीं करना पड़ता है, अजीब सा नहीं दिखता है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा शाई हो व्लॉगिंग करने के लिए तो इसको आप बहुत अच्छे तरह से इसका यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। ये अपना स्क्रू, ये जो है दिस इज़ अ सेल्फी स्टिक, ये वाला जो है ये मोनोपॉड है, मैंने आपको बता ही दिया था। ये आप इसको इतना ज़्यादा लंबा निकाल सकते हो, ये बहुत दूर तक निकल रहा है। ओके, ये थोड़ा और निकलेगा। तो इस पे आप जो है अपना गोप्रो माउंट करके या फिर एक्शन कैमरा माउंट करके एक वाइड एंगल व्यू अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। ये जो है दिस इज़ वो आप कार पे जो वैक्यूम माउंट होता है वो आप वैक्यूम माउंट कर सकते हो, कार पे, टेबल पे, कहीं पे भी। क्वालिटी आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट मत करना, बट दिस इज़ एवरेज और प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये अपना जो है बाइक माउंट है, हैंडल जो साइकिल या फिर बाइक पे आप माउंट कर सकते हो इसे। ओके, ये दो हुक्स दिए हैं जो कि ट्राइपॉड पे माउंट हो सकते हैं। क्वालिटी जो है इसके भी प्लास्टिक की एवरेज ही है बट ठीक है। ये जो है दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये आप फ्लोटेबल जो है हैंड होल्ड होता है, इसे आप पानी में यूज़ कर सकते हो और गोप्रो अगर इस पे लगाते हो या फिर एक्शन कैमरा लगाते हो कोई भी तो ये फ्लोट करता रहेगा ऊपर। ये दो जे हुक है इसके साथ मिला हमें, ये जो है जो सेफ्टी बैंड है वो इसके साथ इंक्लूड होता है, ये इसमें आप इंसर्ट करके इसे यूज़ करते हो, दिस इज़ ऑल्सो गुड। दूसरा ये बैग जो कि अलग से अगर मैं लेता हूँ तो लगभग 600-700 रुपये का आता है, इसके साथ हमने लिया तो 1499 रुपये में ये सारी चीज़ें हो गई। और ये एक बैग है जिसमें आप जो भी चीज़ कैरी करना चाहते हो वो कैरी कर सकते हो, क्वालिटी इसकी भी ठीक है। तो 1499 रुपये में दोस्तों ये मुझे तो बहुत अच्छी डील लग रही है क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। और अगर आप एक एक करके चीज़ें लेने जाते हो या फिर कोई एक चीज़ भी लेते हो मार्केट से तो 600 रुपये के आसपास, 800 रुपये के आसपास मिलता है। हाँ इसकी क्वालिटी इज़ ओके ओके और हाँ, लेकिन यूज़ कर सकते हो आप उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक हो जा रहा है। वैसे मेरे पास जो पीस आया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट्स बहुत ही यूज़फुल है, आपको डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए। अगर आप कम प्राइस में गोप्रो एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो तो ये पैकेज आपको ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।